नहीं होने दूंगी। अनिकेत को किसी ने बहकाया है, उसे कोई गलतफहमी हुई है। चीची, ये तो अनिकेत का ही बयान है। नादान है जो जिंदगी देने वाले और लेने वाले में फर्क नहीं समझता, पर तुम तो समझो कुछ। गलत मैं नहीं सोच रही थी, गलत आप समझ रही। जो दुश्मन होता है ना जीजी, वो हमेशा दुश्मन ही रहता है। और काम्या, काम्या, काम्या की नजर सिर्फ हमारे परिवार की तबाही पर है। उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो जीजी। आज जो भी हमारे परिवार में हो रहा है, इतना सब कुछ देखते हुए भी आपको समझ में नहीं आता जीजी? मैं कुछ समझना नहीं चाहती कुमल, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरे अनिकेत की जान बचाई है और उसका हमें एहसान मानना चाहिए। देखा कुमुत, देखा तुमने? जीजी रिश्ते जोड़ने में लगी हुई है। इनकी हालत देखकर तो मुझे पुरानी कहावत याद आ गई, तुमने भी सुनी होगी कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। काम्या ने ये सब कुछ क्यों किया कुछ मालूम है? अनिकेत हॉस्पिटल में है, लेकिन तुम तो आगे बढ़कर वो सब कुछ कर सकते हो ना? विकास, तुम तो आगे बढ़कर उस मुकदमे को रुकवा सकते हो जो काम्या ने अदालत में दायर किया है। आप ठीक कह रहे हैं मामा जी, लेकिन अगर हम इस मामले में पहल करेंगे तो हार हमारी होगी। इसका मतलब यही होगा कि हमने डैड की वसीयत को स्वीकार कर लिया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मामा जी कि डैड की जायदाद के चार हिस्से होंगे। वो जायदाद जिसे आज तक मैं अपना समझता आया था, अब उसके सिर्फ एक चौथाई हिस्से का मालिक बनूंगा मैं। यही बात तो मेरे गले नहीं उतर रही विकास, क्या करूं मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। लेकिन अब सिर्फ तुम पर उम्मीद बची है। काम्या ने अनिकेत को खून दिया है ना, तो हो सकता है कि अनिकेत काम्या को ज्यादा सौंपने को तैयार हो जाए। लेकिन बेटा तुम मत मानना बेटा, हरगिज़ मत मानना। अरे सैकड़ों करोड़ों की जायदाद यूं ही खैरात में किसी को नहीं दी जा सकती बेटा। काम्या तो उसी उसूल पर चल रही है। बहुत पुरानी कहावत याद आ गई, तुमने भी सुनी होगी, राम नाम जपना और पराया माल अपना। बेटा ये काम्या तो इस जायदाद पर बहुत दिनों से नजर गड़ाए बैठी है। हाँ मामा जी, भाई को हॉस्पिटल से आ जाने दीजिए, फिर इस बात का फैसला करेंगे। अरे आओ जी,
हम अभी अनिकेत के बारे में बात कर रहे थे, कैसे तबीयत है उसकी और हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिलेगी? डॉक्टर ने कहा है शायद कल उसे छुट्टी मिल जाएगी। अरे जीजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस अनिकेत एक बार घर आ जाए सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। मुद्दे? कौन से मुद्दे? अरे जीजी बहुत सारे मुद्दे। अरे वो हंसराज जी को फोन आया था विकास के पास, वो विकास और शिवानी की शादी की तारीख हमसे पूछना चाह रहे थे, हमारा जवाब क्या है? और जीजी भी बहुत सारे मुद्दे जो हमें सुलझाने हैं ना, और कल आ रहे हैं जीजी वो यहाँ पे हमारे घर। हाँ कुल की ज्योति कन्या। हाँ हाँ पंडित जी, भला ये भी कोई बात हुई? मुझे अपनी दोनों बेटियों की शादी करनी है और जाहिर सी बात है रिश्ते भी अच्छे ही घरों के होने चाहिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, दो तीन दिन में जब आपको फुर्सत हो तब आ जाइएगा। नमस्ते। माँ लगता है आपने भी ना छोटी माँ की बातें सुन सुनकर बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। छोटी माँ को देखकर क्यों? मुझे अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी है क्या? हाँ 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 माँ मुझे मालूम है, लेकिन पहले आप अपनी बेटियों की मर्जी तो पूछ लीजिए। क्या आपकी बेटियां अपनी प्यारी सी माँ को छोड़कर कहीं जाना चाहेंगी? बेटा यही तो रीत है, लड़कियों को अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना ही पड़ता है, यही परंपरा है। तो माँ आप पंडित जी से ये क्यों नहीं कहती कि ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाए जहाँ पर दुल्हन की नहीं बल्कि दूल्हे की विदाई हो? मतलब बेटी घर से विदा ना हो बल्कि दामाद घर से विदा होकर यहाँ इस घर में आए। तू तो सदियों से चली आ रही परंपरा को बदलने की कोशिश कर रही। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे मॉम मैं तो मजाक कर रही थी, आप बिना यूं ही सीरियस हो जाते हो। लेकिन मन में तो सवाल उठता है ना माँ, अगर एक बेटा पूरी उम्र अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है, क्या बेटियों के अंदर सेवा भाव नहीं होता? क्या बेटियों में माँ बाप की सेवा करने की ख्वाहिश नहीं होती? ये सवाल हर लड़की के दिमाग में उठता है, और सच्चाई भी ये है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों के दिल में माँ बाप की सेवा की भावना होती है। इसीलिए तो लड़कियों को दया का सागर कहा जाता है, ममता की मूरत कहा जाता है, और औरत को इतनी शक्ति मिली है कि वो किसी के साथ भी अपना तालमेल बिठा सकती है, अपनी सेवा भाव से किसी का भी मन जीत सकती है। शायद इसीलिए ये परंपरा बनाई गई होगी कि लड़कियों को बहू बनकर दूसरों के घर जाना पड़ता है। लेकिन मॉम कल की बनाई हुई ये परंपरा आज के जमाने की मजबूरी बन चुकी है। अब जिसके परिवार में बेटा बेटी दोनों हैं, उनके लिए तो ठीक है, बेटी को विदा करने के बाद बेटे अपने माँ बाप का ख्याल रखें। लेकिन आपकी तरह जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, अगर वो उन्हें विदा कर देंगे तो माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारा सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम उन लड़कों के माँ बाप के बारे में सोचो जो शादी करके लड़कियों के घर आ जाएंगे। उनके माँ बाप ने तो उम्र भर उन्हें यही सोचकर पाला होगा कि वो बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे, उनका क्या होगा? ये तो सचमुच बहुत उलझी हुई बात है ना। जो भी, यही परंपरा है और सभी को परंपराओं के साथ ही चलना पड़ता है।
कहते हैं ना, बेटी पराया धन होती है, इसीलिए उसे पराए घर भी जाना पड़ता है। मॉम, बात तो ये है कि हम आपका दिल कभी नहीं दुखा सकते, और ये बात भी सच है कि परंपराएं तो टूटती ही, और आप तो वैसे भी तकदीर पर विश्वास करती हैं, तो हम भी देखते हैं कि हमारी तकदीर में आखिर लिखा क्या है। अरे नमस्कार जी। हेलो आंटी। हेलो अंकल। वो विकास ने कल ही बताया कि आप लोग आने वाले हैं। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? जी, वो हॉस्पिटल। ओहो, देखिए इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आ नहीं सका, लेकिन आप लोगों ने भी कोई खबर करने की जरूरत नहीं समझी? भाई साहब, ऐसे हालात में कहाँ ख्याल रहता है। आप लोग आइए ना, बैठिए। हाँ, आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, हम अंकित को लेकर सभी आते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अंकित को लेने साथ चलूँ। अरे भाई साहब, हम उसे घर पर लेकर ही आ रहे हैं, आप घर पर ही मिल लीजिएगा। तब तक आप बैठिए, कुंज एक काम करो जी। तुम इनके साथ ही रहो, चाय नाश्ता कराओ, तब तक मैं अनिकेत को लेकर आती हूँ। हाँ जी जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि ये घर में अकेले कहाँ रहेंगे, मैं इनके साथ ही रहता हूँ। भाई साहब, मैं आती हूँ। जी आइए जी। कुल की ज्योति कन्या। बैठ। अब तो तुम इस घर की होने वाली बहू हो, पूरे का पूरा घर ही तुम्हारा है। वैसे मैं सोच रही थी कि अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आए, और कम से कम शादी की बात तो शुरू हो गई ना, वरना सच बताऊं तो हम लोग तो बहुत ही हताश हो चुके थे कि पता नहीं विकास और अनिकेत की शादी होगी भी या नहीं। ऐसा क्यों कहती हैं आंटी, शादी तो सबकी होती है। अब इस बीच यहाँ क्या क्या हुआ तुम्हें नहीं पता ना, इसीलिए तुम ऐसा कह रही हो। ऐसा क्या हुआ था? लो जी, तुम्हें नहीं मालूम, इस घर की बड़ी बहू ने छत से कूदकर जान दे दी थी। हाँ, अब तुम ही सोचो कि वो कितनी परेशान होगी, कितनी दुखी होगी, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा कि उसने खुशी करने के बारे में मतलब फैसला ले लिया। हाँ, मैंने सुना तो था, पापा ने बताया था मुझे। अब बेटा, तुम घर का माहौल तो देख ही रही हो, एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता, जान का दुश्मन बना बैठा है। हम लोग तो सोच रहे थे कि जो अनिकेत को गोली लगी थी ना, हमें तो डर लग रहा था कि कहीं पुलिस विकास को ही ना गिरफ्तार कर ले, मतलब के दोनों भाइयों के बीच में ना दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि तुम सोच भी नहीं सकती। बट आंटी, भाई भाई में जायदाद को लेके झगड़ा कहाँ नहीं होता, हर घर में होता है, लेकिन खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। कितनी अच्छी हो बेटा तुम, तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं, लेकिन इस घर में तो कोई रिश्ते जैसी बात ही नहीं रही। और विकास के ऊपर तो किसी का दबाव चलता ही नहीं, और आजकल तो बेटा वो नशा भी करने लगा। कौन सा दुनिया का ऐसा नशा है वो नहीं करता। हाँ आंटी, जब कोई संभालने वाला नहीं होता तो इंसान बिगड़ ही जाता है। बट देखना, शादी के बाद विकास बदला हुआ सा नजर आएगा। ये लड़की तो कमाल है, लगता है
शादी का मन बना कर आई है, किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता। किस सोच में पड़ गई आंटी? क्या सोच रही थी आप? कुछ भी तो नहीं बेटा, मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं किन बातों में उलझ गई। मैं तो चाय नाश्ता बनाने आई थी। तू यहाँ बैठा, मैं अभी चाय नाश्ता देकर आई। हाँ कुल की ज्योति कन्या। हाँ यश, ये बताओ कि तुम्हें इस ऑफिस में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो सारे लोग मुझे पहचानने लगे हैं, जानने लगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ बोलिए मिस्टर मेहरा। अरे क्या बात है मिस्टर मेहरा, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। सर, अनिकेत सर के हॉस्पिटलाइज होने की वजह से हमारे सूरत और अहमदाबाद के फैक्ट्री वर्कर्स को सैलरी चेक नहीं भेजा जा सका, जिसकी वजह से वहां से बार बार फोन आ रहा। तो ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्यों मिस्टर मेहरा, आप मेरी प्रॉब्लम जानते हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं ना। और फिर आप किस लिए हैं? आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए ना। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? ये प्रॉब्लम्स मेरी टेबल तक नहीं आना चाहिए। मैं खुद अपने वर्कर से बात नहीं करूंगा। सॉरी सर। मिस्टर मेहरा, आपको ये प्रॉब्लम्स जैसे भी हैंडल करना है कीजिए, जैसे भी हैंडल करना है कीजिए, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी टेबल तक नहीं आनी चाहिए। मैंने उन लोगों से कह दिया है कि अनिकेत सर आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं और उन्हें जल्दी ही सैलरी चेक दे दिए जाएंगे। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा मिस्टर मेहरा, हर चेक का जो वाउचर होता है उस वाउचर पर मेरे भी साइन होने चाहिए। मेरे साइन किए बगैर कोई भी चेक इश्यू नहीं किया जाएगा। यू मे गो नाउ। ओके सर। यश, दरअसल ये सारे लोग, यहाँ का जितना भी स्टाफ है, वो सब अनिकेत भाई के वफादार हैं, उन्हीं का फेवर करेंगे। पता है, कल ये सारे लोग मिलकर अनिकेत भाई को हॉस्पिटल में देखने गए थे, सारा स्टाफ, वो भी ऑफिस आवर्स में, विदाउट माय परमिशन। अगर मैं इनके आगे ये सवाल खड़ा कर दूं ना कि क्यों ये ऑफिस आवर्स में वहां गए थे, तो इनके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं होगा। जाने दीजिए सर, इससे बात और बिगड़ेगी। ये देखने जाना चाहते थे, चले गए। अरे बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसी तबीयत है? ठीक, डॉक्टर ने कहा है एक दो दिन आराम करूंगा तो ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ। गुड, ईश्वर की कृपा है। शिवानी अंदर बैठी है। अनिकेत, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम इस घर के बड़े हो। मैं चाहता हूँ कि शिवानी और विकास की शादी का फैसला तुम। घर के बड़े तो मामा जी हैं, माँ हैं, जो भी बात तय करनी है यही करेंगे। और शादी की बात जहाँ तक है तो विकास तो हाँ कर ही चुका है, बाकी जो फैसला है वो मामा जी और माँ आप लोग मिलकर फैसला कर लीजिए। प्लीज इसे अंदर ले जाइए।
हाय। हेलो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? I'm fine. अच्छा लगा तुम्हें इस घर में देख के। थैंक्स। पर पहले ये घर कितना भरा भरा लगता था और अब कितना खाली खाली लगता है। हाँ शिवानी, पहले अर्चना दीदी थी, अंकल थे, पर अब घर कितना सूना सूना लग रहा है। अब तुम आ जाओगी ना इस घर में तो घर फिर भरा भरा सा लगेगा। आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और हम लोगों को पता ही नहीं चला। वो तो कल मैंने विकास को फोन किया तो उसने मुझे बताया। हम तो इनफेक्ट हॉस्पिटल आने ही वाले थे, पर मालूम हुआ कि आप लोग आज घर आ रहे हैं तो सोचा घर पर ही मिल लेते हैं। विकास से मुलाकात हुई तुम्हारी? नो, मेरे आने से पहले ही वो ऑफिस जा चुका था। अभी आ जाएगा, उसे मिलकर ही जाना। ठीक है, आती हूँ। ले जाओ बेटा। नहीं माँ। वो हंसराज जी तुम्हें मिलने आए थे लेकिन उनका दूसरा मकसद भी था। वो विकास और शिवानी की शादी तय करना चाहते हैं और तुम्हारे सामने उन्होंने बात छेड़ दी। माँ मैंने कहा ना, इसका फैसला आप लोगों को ही करना। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? ऐसे मामलों में अकेले फैसला नहीं लिया जा सकता। फिर हर एक बात के लिए मैं तुमसे सलाह नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? तुमने लड़की देख ली है, थोड़ी मॉडर्न है, पर हमारे घर में आएगी तो हमारे हिसाब से ढल जाएगी। मैं कहां मना कर रहा? वैसे भी शादी विकास को करनी है तो फैसला करने वाला मैं कौन? लड़की किसी और को पसंद हो ना हो, विकास को पसंद होनी चाहिए। लोग उंगलियां तो उठाएंगे ना जी, और किसी पे उंगली उठे ना उठे, हमारे विकास पे तो उंगलियां लोग जरूर उठाएंगे। हाँ